सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था, जो वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाई लड़ी गयी। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में 12,000-25,000 के करीब सैनिक और 20 मैदानी तोपें थी। लोदी का सेनाबल 1,30,000 के आसपास था। हालांकि इस संख्या में शिविर अनुयायियों की संख्या शामिल है, जबकि लड़ाकू सैनिकों की संख्या कुल 1,00,000 से 1,10,000 के आसपास थी। इसके साथ कम से कम 300 योद्धा हाथियों ने भी युद्ध में भाग लिया था। क्षेत्र के हिंदू राजा राजपूतों इस युद्ध में तटस्थ रहे थे, लेकिन ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत इब्राहिम लोदी की ओर से लड़े थे। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसका एक अन्य नाम उच्चतर युद्ध कौशल था। यह अब तक के युद्धों में पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इसका प्रयोग किया गया। बाबर के द्वारा इस युद्ध में उस्मानी विधि, तोप सजाने की विधि का भी प्रयोग किया गया। ये इसने तुर्कों से सीखी थी। पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा गया। इस तरह बाबर की विजय हुई। बाबर ने कबूल की जनता को चांदी के सिक्के दिए। इस उपरांत बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई।